जब एक इंसान को एक काम करना नहीं आता, गहरा नुक्ता है, गौर से सुनी, जब एक इंसान को एक काम करना नहीं आता, जब एक इंसान में एक स्किल डेवलप नहीं हुआ हुआ, जब एक इंसान को, वो पंजाबी में कहते हैं, बल नहीं आता, व्हेन अ मैन डजंट नो हाउ टू डू अ थिंग, तो अल्लाह उसे वहां फेल करेगा ही करेगा, ताकि उसका उस फील्ड में स्किल अच्छा हो जाए। तो फेलियर को इतना ये जलील किस्म का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है? हार गया, हारना कुछ नहीं होता बेटा, तुझे एक चीज आती नहीं है, इसलिए तुझे वहां से अगर गुजार दिया तो आगे बड़ी बला मार देगी तुझे, खलास। फेलियर इज नथिंग, जस्ट टू ट्रेन यू कि तू आगे बड़े पट्टे के साथ मुकाबले में गिर ना जाए, इसलिए इंसान फेल होता है। लेकिन अगर आपने फेलियर से यह समझ लिया कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जात अदम हो गई, मेरी हैसियत खत्म हो गई, मेरा वजूद बिल्कुल जीरो में चला गया, तो बेटा ये सेल्फ डाउट है। हार बुरी चीज नहीं है और जीत भी बुरी चीज नहीं, दोनों के पीछे जो माइंडसेट होता है ना, वो बुरा होता है। अगर हार तुझे शक में डाल दे और जीत तुझे तकबर में डाल दे, अगर हार तुझे बनी इसराइल बना दे और जीत तुझे फिरौन बना दे, अगर हार तुझे शक्की बना दे और जीत तुझे फजूल का ओवर कॉन्फिडेंट कर दे, तो ये दोनों बवाल है बेटा। इट इज द एटीट्यूड बिहाइंड इवेंट्स दैट मैटर। इसलिए तो अल्लाह कहता है कुरान में, फैजा फरग तफन सब वाइला रबी का फरगब, जब तू जिंदगी के समंदरों से गुजरेगा, जब तू एक्सपेरिमेंटेशनों से गुजरेगा, जब तू तजर्बात से गुजरेगा, जब तू मुशाहिदात से गुजरेगा, जब तू वक्त की ऊंच नीच से गुजरेगा, जब तू लाइफ के हाइज एंड लोस से गुजरेगा, जब तू नए नए रिश्तों से गुजरेगा, जब तू नए नए फैसलों से गुजरेगा, जब तू नए नए मियारों से गुजरेगा, जब तू नए नए मुल्कों से गुजरेगा, जब तू नए नए पासपोर्ट से गुजरेगा, तो तेरे सीने को डेंट लगेंगे, तेरा अंदर का आप हिलेगा, उसमें खौफ भी हिलेगा, डर भी हिलेगा, उम्मीद भी हिलेगी, मोहब्बत भी हिल जाएगी। अल्लाह क्या कहता है, न्यूट्रलाइज कर उसको, ब्रिंग इट बैक टू द बैलेंस। कैसे? कि मेरे ऊपर भी एक ताकत है, लोगों से बड़ी भी एक ताकत है, मेरी सच्चाई सच को अट्रैक्ट करेगी, मेरी इंसानियत इंसानों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी बहादुरी बहादुरों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी कंफ्यूजन मेरे साथ कंफ्यूजन को ही अट्रैक्ट करेगी, मेरा डर डरपोकों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरु अला दीन खलीलिही, जैसा इंसान के बराबर वाला होगा वैसे ही उसकी नफ्सियात होंगी। शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाल्लाह, गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा है, फैसला तेरा है कि तू उन बलाओं को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू अपने आप को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू कह दे उसको फाइन, अगर इस स्टेशन पर ही मौत लिखी है तो मैं ऑनरेबली इंप्रेस करता हूं, निकल गया तो जंग फिर लंबी। और ये कब तक चलता रहेगा? लोग मुझसे पूछते हैं ये कब तक चलता रहेगा, ये रिस्क टेकिंग कब तक चलती रहेगी, ये कब तक जिंदगी में रिस्क रिस्क, जब पता ही नहीं है क्या होना है, जब पता ही नहीं है कहां से आनी है, जब पता ही नहीं है हेट कहां से लगेगी, जब पता ही नहीं है दुश्मन कहां से आएगा, जब पता ही नहीं है तनकीद कहां से आएगी, जब पता ही नहीं है कि कहां से सियासतें होंगी तेरे खिलाफ, जब पता ही नहीं है कि प्लानिंग कैसे कर रहे होंगे लोग तेरे खिलाफ, तो कब तक करना है उस्ताद जी? व्यास शेख आतिफ कब तक चलता रहे बेटा? ये मौत तक करना है तूने, हत्ता याती के यकीन इस हद तक के तू दुनिया से चला जाए, क्योंकि तू लिमिट नहीं कर सकता अपनी जिंदगी को, जहां तू रुकेगा फिर तू यही था बेटा। अगर तू 50,000 रुपए पे अपनी लिमिट को करता है अपनी लाइफ को, फैसला तेरा है। अगर तू 50 लाख तक की रियासत लेके जाना चाहता है एक महीने में, वो भी फैसला तेरा है। अगर तूने पूरा सूबा खाना है, वो भी फैसला तेरा है। और अगर तूने इसी गांव में दफन होना है या इसी कस्बे शहर में दफन होना है, फैसला तेरा होगा बेटा। लेकिन जितने लंबे और बड़े फैसले होंगे, गेम भी उतनी बड़ी हो जाएगी, फिर दुश्मन भी उतना बड़ा, दोस्त भी उतने बड़े, सियासतें भी उतनी गर्म। तो घबराना नहीं है बेटा, समंदर में साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना बहुत आसान है, मगर असल इंसान वो है बेटा जो लहरों की मुखालफतों में कदम उठाता है अंदर। ही गोज इन टू दो स्टॉर्म्स। वो कहता है ना, कहने वाला कहता है
कि शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा, शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा कि तूफान से डर के रहना, ऐसा ना हो कि तू गिर जाए। तो ख्वाब देखने वाले ने जवाब दिया, ओए मैं ही वो तूफान हूं जिससे डरना चाहिए, आई एम द स्टॉर्म। तूफान बन बच्चे, खुद एक तूफान बन कि सारे तूफान तेरे अंदर आके घर को जाए। इतना बड़ा करना है तूने अपने आप को। तो जैसे ये जिंदगी के सिलसिलों में कदम बढ़ेंगे, जैसे ये जिंदगी के अंदर मामले बढ़ेंगे, और तू फैसला करेगा उस कुएं से, उस गड़े से निकलने के लिए। तो मैं अपने बच्चों को अफसानों में नहीं रखना चाहता कि जंगे नहीं होनी, सियासतें नहीं होनी, लड़ाइयां नहीं होनी, पॉलिटिक्स नहीं होनी। लेकिन आज ये भी मैं तुझे गारंटी से कहता हूं, 22 साल आगे खड़ा हूं मैं तुम लोगों से, मजा भी बहुत है, बड़ा एडवेंचर है, बड़ा शुगल है इसके अंदर, बहुत मजा आएगा तुझे। जब एक टाइम पर उनकी बातों से तू हिलता था, और एक वक्त आएगा तेरी मुस्कुराहट से जलजले पड़ जाएंगे सिर्फ अगलों की सफों के अंदर। एक वक्त आएगा जब तेरी स्माइल जो होगी ना, उसके ऊपर तबसरे लिखे जा रहे होंगे, तेरे दुश्मनों में मौजू भी तू, वजा भी तू, कता भी तू, शरा भी तू, और उनकी जिंदगी का मिजाज भी तू। अपने दुश्मनों को एक मिजाज बख्श के जा, दुश्मनों को भी वो दुश्मनी बख्श के जा कि वो भी अपने किलों में तेरी तारीफ करते होगा, किसी पट्टे से जंग हुई है हमारी। बेटा जिंदगी में कायर की मौत मरनी है तो बेहतर अभी मर जा, लेकिन गुलामाना जिंदगी, अ लाइफ ऑफ अ स्लेव। मैं ये पूछता हूं तुम लोगों से, मेरे बच्चे, मेरे कौम, मेरा खून बैठा है, मेरे कौम का मुस्तकबिल बैठा है, कैसे मुंह देगा अपने आप को कि तू जानता था कि तू मैथमेटिशियन है, तू जानता था कि तू साइंटिस्ट है, तू जानती थी कि तू मार्केटिंग की अच्छी है बेटा, तू जानता था कि तू बना सकता था इस चीज को, तू जानता था कि 2000 करोड़ की सल्तनत खड़ी आ गए तेरे, कैसे अपने आप को जवाब क्या देगा। फलसफा बन, और तू ये छोटी छोटी भेड़ बकरियों से डर गया है, तू छोटी छोटी ये 2 रुपए के मसलों पे रुक गया है। सितारों से आगे जहां तो और भी थे बच्चे, अभी इश्क के मैदान और भी थे, और तूने यही अपनी रूहानी खुदकुशी कर ली। क्यों डरता है? अपनी शिकस्त को भी अपना जोश बना, अपनी शिकस्त को अपनी सरकशी बना, अपनी हार को अपना नशा बना, अपनी लज्जत बना। जिन कौमों में हारने का जज्बा होता है, दुश्मन तुझसे क्या छीन के ले जाएगा बच्चे, जब तू पहले ही अपने माइंड में अपनी हार कबूल कर और अपनी शिकस्त खुद डिफाइन कर। तेरा दुश्मन ये माशरा, ये सोसाइटी तेरी हार डिफाइन, तू है तेरी हार और तू है तेरी जीत। इसलिए मैं अपने कौम के बच्चों को सबसे पहली तलकीन ये करूंगा, अपनी हार जीत अपने मुंह पे कभी ना लाई पुत्र, वरना लोग जान जाएंगे कि ये मरता कहां से। अपनी हार भी अपने अंदर रख, अपनी जीत भी अपने कलेजे के अंदर रख, एंड नेवर लेट योर एनिमीज हैव दैट ब्यूटिफुल स्लीप। अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को वो मीठी नींद कभी ना दें, ये जान के भी कि तू हार चुका है। चलाने दे, तेरी हार पर भी सोचने दे, तेरी जीत पर भी सोचने दे। आजाद बन जा अगलों के लिए, इतना छुपा ले अपने आप को। एंड मगर लोग मिले, लोग घबरा गए बच्चे, लोग मिले, लोगों ने झूठ पिया अपने अंदर, लोग मिले, लोगों ने दुनियावी लिहाज से डिफाइन किया अपने आप। और मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहता हूं, क्यों डिफाइन करता है अपने आप को कि आई एम अ मैथमेटिशियन एंड आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम अ डॉक्टर, अ मैन इज मेड टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड, क्यों रोकता है अपने आप को? तो डर बाहर है, बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो सबसे पहले अपने आप से मिल ले, हाफ ऑफ योर फियर इज गॉन। जब अपने आप को पहचान लेगा और मान लेगा और सुन लेगा और जान लेगा, डर खत्म। उन वादियों में हार जा, आज हार जा, मैदानों में हार नहीं हारी बेटा, अपने मन की वादी। जब तू अपनी हार भी कबूल कर चुका है और जीत भी कबूल कर चुका है, लोग तुझे क्या हराएंगे आगे से।
हालात तुझे क्या हराएंगे। तो 50% ऑफ योर फियर मैनेजमेंट इज यू एंड 100% ऑफ फियर मैनेजमेंट इज हिम। जब अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्ला यजल्लहु मखरजा, जमीन के चार दरवाजे बंद हो, पांचवा अल्लाह है पुत्र, अल्लाह है पांचवा। अल्लाह कहता है तू मेरे साथ दिल लगी लगा, तू लोगों से दिल लगी लगा रहा है, तू मेरे साथ दिल लगी लगा। मैं मखरज अरबी में कहते हैं मैं एग्जिट डोर निकालूंगा बलाओं के बीच में से। हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि जब उनसे कोई पूछे, ये मेरा जुमला रकम करके जा रहा हूं आपकी सरजमीन पर, लोग आपसे पूछे आप नाश्ते में क्या खाते हैं, हमारे कौम के बच्चों का जवाब होना चाहिए बलाएं, आई ईट मॉन्स्टर्स इन माई ब्रेकफेस्ट। और जब लोग पूछे आप रात को क्या खाते हैं तो आप बोले स्पाइसी बलाएं, आई ईट स्पाइसी मॉन्स्टर्स। हमारे बच्चे बलाएं खाने वाले होने चाहिए कि वो कह सकें तूफानों को, उन तुगयानियों को, उन मिजाजों को, उन फिरौनों को, उन बेदर्द बेरहम सियासतों को कि मैं तेरे सीने में से हाथ डाल के तेरा कलेजा निकाल के कच्चा खा जाऊंगा। यह जिगर होना चाहिए इंसान का, तभी तो जाके वो फेस कर सकता है, वरना खा जाएगी ये दुनिया तुझे पुत्र। बड़ा सख्त मुकाबला है इंसान का, हाँ, गुलाम के लिए नहीं, गाफिल के लिए नहीं, जाहिल के लिए नहीं। ये दुनिया आसान और एक मीठा घूंट है जाहिल के लिए, ये दुनिया आसान और मीठा घूंट है गाफिल के लिए, ये दुनिया आसान और मीठा घूंट है डरपोक और बुजदिल के लिए, ये दुनिया एक आसान और मीठा घूंट है जो अपने आप को कहता है मैं यही हूं और यही रहूंगा। तो वही रह फिर पुत्र, बेहतर है मैदानों में मरने से अच्छा है कि तू वहीं मर जा। लेकिन कैसे कैसे जिएगा मुझे बता, कैसे जिएगा उस जिंदगी, कैसे देख, आई वॉन्ट टू नो कैसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया।